नाज़रीन, तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके साथ बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली मज़ेदार और झटपट रेसिपीज जो है वो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना शेफ गुलजार और आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार शो जिसके अंदर हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू के जो है निमको। बहुत सारे निमको आपने सीखे होंगे लेकिन आलू के निमको जो है ये आप इंशाल्लाह पहली दफ़ा सीख रहे होंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूं और मज़ेदार रेसिपी आप अपने घर पर तैयार कर सकें। मेहमान आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बना रहे होते हैं घर पर तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो आज जो निमको मैं बनाने जा रहा हूँ गौर से देखें, इंशाल्लाह आप अपने घर पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको तैयार कर सकेंगे। सबसे पहले तो ये कि कुकिंग शुरू करने से पहले मिना ऑयल जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी ऑयल है उसके बारे में आपको बता दूं कि तीन किस्म के ऑयल का मिक्सचर है जिसके अंदर सोयाबीन है, कनोरा ऑयल है और इसके साथ इसके अंदर जो है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल शामिल है। ये तीन किस्म के ऑयल जो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और इसे इसके साथ जो है हम आज अपने कुकिंग की स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हम एक चॉपर में तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और इसके साथ हम जो है इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे जिसके साथ हम इसको बनाने जा रहे हैं। चॉपर में क्या क्या चीज़ें जाएंगी आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा 300 ग्राम आलू बॉइल्ड, और इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ कप चावल का आटा। इसमें दो खाने के चमचे जो है चाट मसाला ऐड करेंगे, आधा चाय का चमचा हल्दी, एक खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर और एक चाय का चमचा जीरा पाउडर। नमक जो है आधा चाय का चम्मच हम उसमें ऐड करेंगे और दो अंडे इसमें हम शामिल कर देंगे। ये तमाम अज्जा जो है इसके अंदर चले गए, अब इसको हम मिक्स करने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम अज्जा जो है वो आपस में मिक्स हो जाएं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हुआ है और इसे हमने जो है बिल्कुल पेस्ट जैसी शक्ल बना ली है। ये सारा अमेजा जो है वो हम एक प्याले में निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, तो हम जा रहे हैं अब इसको पाइपिंग करने के लिए। पाइपिंग बैग में इसको डालेंगे और डालने के बाद फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई से पहले मैं आपको बता दूं कि मिना कुकिंग ऑयल के अंदर तीन चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो विटामिन मौजूद हैं इसके अंदर। विटामिन ए है, विटामिन ई है और विटामिन डी है। और आपको पता है ए जो है वो आपके आइज़ के लिए, आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ई जो है इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करता है और डी जो है आपके बोन्स को मजबूत करता है। चलते हैं, इसको पाइपिंग बैग में डालते हैं और फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, तो मिना कुकिंग ऑयल जो है वो हम ऐड करते हैं और चूल्हे को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसे हमने बहुत दरमियानी आँच पर जो है फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हैवी आँच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं होनी चाहिए, दरमियानी आँच पर हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने पाइपिंग बैग ले लिया और पाइपिंग बैग में हमने इस अमेजे को ऐड करना है और आप देख सकते हैं कि कैसा अमेजा है, गीला बिल्कुल। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए वरना ये रेसिपी आपकी मज़ेदार नहीं बनेगी। ये हमने अपना पाइपिंग बैग तैयार कर लिया है। ठीक है जी, एयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये इसको चेक भी आप कर सकते हैं इस तरह, ये देख। ठीक है, ये पोजीशन आ गई इसकी और अब ये तैयार है और मैं इसे ऑयल में डालने जा रहा हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मुनासिब ऑयल होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया, वरना ये डार्क हो जाएगा कलर इसका और टेस्टी भी नहीं बनेगा और
कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो दरमियानी आँच पर हमने इसको तैयार करना है। और आप देख रहे हैं कि मैंने जब इसको डाला है तो ये बिल्कुल सतह पर बैठ गया है, ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ आएगा और बड़ा ही क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार सा आलू के जो नीमको हैं वो तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कें। और आज मैं आपको एक सॉस भी सिखाने जा रहा हूँ। अक्सर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉस बनाते हैं, तो वो सॉस मैं आपको सिखाऊंगा। सिंपल सॉस होता है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पीसेस ऊपर आ गए हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा छेड़छाड़ आपने नहीं करनी, इसलिए कि ये भी कच्चा है जब तक ये पक नहीं जाता। जी नाज़रीन, तो ये नीमको एक किस्त हमारी तैयार हो चुकी है। इसे मैं डिश आउट करने लगा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये जैसे बाहर आएगी इसके बाद ज़रा सी हवा लगेगी, ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची कड़क सी हो जाएगी, ठीक है। अब एक किस्त और हम डाल देते हैं इसमें। जी नाज़रीन, तो ये हमारा आलू यानी कि आलू के जो नीमको हैं वो फ्राई हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको हाथ में उठाया है, कितना क्रिस्पी है ये, जितना हवा लगता जाएगा और इसने क्रिस्पी होता जाएगा ये, ठीक है। इसके ऊपर आप चाहें तो चाट मसाला छिड़कें, मैंने इसके अंदर भी चाट मसाला डाल दिया, ज़रूरी नहीं कि चाट मसाला छिड़कें, ठीक है जी। इसे हमने इस पर निकाल लिया और आपने करना ये है कि अब इससे हाथ से आप तोड़ लें, इस तरह से छोटे पीसेस में कर लें, ठीक है। चाहे तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं, छोटे पीसेस में मैंने कर लिए। और इसे हम एक खूबसूरत से डिश में निकाल लेंगे। ये आपके बेहतरीन घर के बने हुए नीमको, यानी कि जो आप बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं उससे बेहतरीन नीमको जो है वो आपके घर पर तैयार हो गए। चलते हैं सॉस की तरफ। और ये मैंने हाफ कप मायोनेज ले लिया है और इसमें मैं एक चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट ये ऐड करूँगा। और इसमें मैं शामिल करूँगा लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, एक चुटकी नमक और तकरीबन एक खाने का चम्मच इसमें शहद। ये बेहतरीन मेरा सॉस है जो मैं अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनाता हूँ, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। ये आपको एक नया डिप, थोड़ा सा स्वीट थोड़ा सा स्पाइसी। और बहुत ही मज़ेदार। और ज़ाहिर बात है मैं आपको खा के भी दिखाऊंगा। करंच की आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक चीज़ और बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मीना ऑयल के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 मौजूद है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मीना ऑयल को इस्तेमाल करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।